प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा महिमामय जन्म है, और यदि हमारा जन्म भी महिमामय हो जाए तो नजारा क्या खुशनुमा होगा। प्रिय प्रभु यीशु मसीह में आप सबको क्रिसमस का प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इस क्रिसमस सीजन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस उद्धारकर्ता का जन्म, उस सृष्टिकर्ता का जन्म अगर यदि हुआ है तो बात कोई छोटी सी नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस संसार का उद्धारकर्ता, इस सारे जहां का कफारा बन के जो आया, उसके जन्म की बात या उसके जन्म की कहानी कोई छोटी नहीं हो सकती। उसके जन्म में बहुत सारे भेद छुपे हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्रिसमस की इस महिमा को देखें कि प्रभु यीशु के जन्म में जो महिमा है वो हमारे लिए किस कदर अनुग्रह लेकर आती है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा महिमा से भरा था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि हमारा जन्म भी महिमा से भर जाए तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, नज़ारा क्या खुश होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यदि आप दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 30 वचन यदि आप सुने तो यहाँ पर लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, देखिए नज़ारा कितना खुशनुमा है। प्रभु यीशु के जन्म में एक तारा चमका है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यदि मेरे और आपका जन्म भी महिमा से भर जाए, मेरे और आपका जीवन भी महिमा से भर जाए, तो वचन कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ तुम भी आसमान के तारों के मानिंद हो जाओगे, आकाश मंडल के सितारों के मानिंद हो जाओगे, तुम्हारी चमक भी उन सितारों के समान होगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों ना आज हम इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म के अवसर में परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम भी अपने जन्म में महिमा पाएं, इस जीवन में महिमा पाएं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और सितारों के साथ मिल जाएं, फरिश्तों के साथ मिल जाएं, पहाड़ों के साथ मिल जाएं, परिंदों के साथ मिल जाएं, और जीवन को महिमामय बना दें, प्रभु यीशु मसीह के समान। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, भोर का तारा हो जाएं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हो सकता है और बहुत मुमकिन है मसीह यीशु मसीह में, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि हम भी भोर के तारे के मानिंद हो सकते हैं। प्रिय बना लो इस क्रिसमस में, अपने जीवन में भी एक ऐसी महिमा पालो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि तुम भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, भोर के तारे के मानिंद हो जाओ, महिमा से भर जाओ। प्रभु यीशु मसीह में महिमा है, उसमें सब है, क्योंकि वही रब है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यदि हम भी परमेश्वर के धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो, अपने जीवन में पाले, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम में भी सब होगा और वो ही हमारा रब होगा, क्योंकि वो हमारे बीच में है, हमारे मध्य में है, हमें बस ढूंढना है अपने भीतर, ये क्रिसमस को साकार बनाना है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को अपने जीवन में साकार बनाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर धन्यवाद हो। और असत्य से दूर, सत्य से जुड़कर शाश्वत हो जाना है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। यही तो वो बात है जो वचन में आपने सुनी है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो तारों के मानिंद चमकेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये कौन है? ये लोगों ने अपने जीवन को शाश्वत से जोड़ लिया है, सत्य से जोड़ लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जियत जन्म में महिमा पाली है, और यही कारण है ये लोग आकाश मंडल के समान दूर सितारों के मानिंद चमकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। असत्य से कहीं दूर ये लोग शाश्वत से जुड़े हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसीलिए जिनकी चमक आसमान के तारों के समान हो जाती है, जिनकी चमक आकाश मंडल के समान हो जाती है, परमेश्वर धन्यवाद हो, ये कौन लोग हैं जो असत्य से दूर, परमेश्वर का धन्यवाद हो, असत्य से बहुत दूर सत्य और शाश्वत के साथ जुड़े लोग हैं। वरना परमेश्वर का वचन यूं ही नहीं कहता, परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम्हारी भी चमक तारों के समान होगी। प्रभु यीशु का जन्म
असत्य से बहुत दूर और सत्य के साथ पूर्णत्व के साथ जुड़ा है। और परमेश्वर धन्यवाद हो ये तारा बयां कर रहा है कि प्रभु यीशु कहाँ से आया, उसका पता क्या है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लूका की इंजील उसका 2:13-14 यदि आप सुने तो यहाँ पे लिखा है, लूका की इंजील उसका 2:13-14 में क्या लिखा है, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक बड़ा दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी और मनुष्यों में वो प्रसन्नता हो, शांति हो। आपने वचन में सुना कि एकाएक एक स्वर्गदूत उतर के आया और एकाएक उसके पीछे स्वर्गदूतों का दल झुंड का झुंड उतर के पीछे आया और वो कहता है आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, पृथ्वी पे प्रसन्नता हो और शांति हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये झुंड किसका है? इस फरिश्तों का झुंड है, ये गीत गा रहे हैं परमेश्वर का धन्यवाद हो, आकाश में उसकी महिमा और पृथ्वी पर उसकी प्रसन्नता और शांति हो। केवल एक स्वर्गदूत नहीं बल्कि झुंड का झुंड इसमें शुमार है, शामिल है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि हमारा जन्म भी महिमा पाले, यदि हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव के समान महिमा पाले, तो परमेश्वर धन्यवाद हो तुम्हारी और स्वर्गदूतों की स्तुति के साज में तालमेल बैठ जाएगा। आज प्रभु का धन्यवाद हो, हम कैरल सिंगिंग गा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के जन्मोत्सव के गीत गा रहे हैं। पर बात सोचने की यह है कि क्या मेरे और स्वर्गदूतों के सुरों का ताल सही बैठता है क्या? परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसका जन्म महिमा पा लेता है। परमेश्वर धन्यवाद हो उसका जीवन का सुरों का और उसके ताल का तालमेल बिल्कुल स्वर्गदूतों की स्तुति के साथ ठीक बैठ जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जिसका ताल स्वर्गदूतों की स्तुति के साथ ना बैठे, जिसका साज जिसके साजों की तार स्वर्गदूतों के तारों के साथ मेल ना खाए, तो बात गलत होगी। अपने सुरों को खुदा के साथ स्वर्गदूतों के साथ मिलाना होगा। तुम्हारा स्वर और स्वर्गदूतों की स्तुति का स्वर एक हो जाएगा। परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम श्रेष्ठ जन्म उत्सव के संगीत में शामिल हो जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम श्रेष्ठ संगीत का हिस्सा हो जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव में तुम स्तुति करना, तुम कैरल्स गाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्वर्गदूतों के झुंड में हम भी शामिल हो जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये कब होगा? जब हमारा जन्म भी प्रभु यीशु के जन्म जैसा महिमा पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारी स्तुति का और स्वर्गदूतों की स्तुति का तालमेल सही बैठ जाएगा। पर तुम भी स्वर्गदूतों की स्तुति का हिस्सा होकर बदल जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और स्वतंत्रता से प्रसन्नता से परमेश्वर की स्तुति कर पाओगे। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो, स्वर्गदूतों की स्तुति में एक बड़ी खास बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन में आपने सुना वो स्तुति करते हुए यकायक नीचे आया और यकायक स्वर्गदूतों का झुंड भी उसके साथ शामिल हो गया। परमेश्वर धन्यवाद हो। और क्या कहता है? आकाश में उसकी महिमा और पृथ्वी पर प्रसन्नता हो और शांति हो। इसलिए परमेश्वर की सच्ची स्तुति वही करते हैं, परमेश्वर की सच्ची कैरल्स भी वही कबूल की जाती है जिसमें कोई तमन्ना ना हो। परमेश्वर धन्यवाद हो, स्वर्गदूतों की स्तुति में ना कोई चाहत है ना कोई तमन्ना है। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, कोई चाहत नहीं है, बस परमेश्वर की स्तुति, यही एक चाहत है। इसलिए सच्ची स्तुति, परमेश्वर धन्यवाद हो, सच्चा कैरल गाना, कोई चाहत ना रखो, कोई तमन्ना ना रखो, बस उन स्वर्गदूतों के झुंड की स्तुति के साथ तुम्हारा भी तालमेल बैठ जाए। परमेश्वर धन्यवाद हो। और जीवन खुशगवार खुशनुमा हो जाए। परमेश्वर धन्यवाद हो। जन्म में महिमा पालो, आकाशमंडल जैसे तुम हो जाओगे। सोचो, सारे आकाशमंडल तुम हो जाओगे। कितने तारों और ग्रहों की शक्तियां जो प्रभु के वचन से बने हैं तुम में समा जाएगी। वचन कहता है तुम आकाशमंडल के समान हो जाओगे, तुम एक ग्रह नहीं सारा मंडल हो जाओगे। परमेश्वर धन्यवाद। और परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम कैसे दिखोगे? तुम्हारी चमक आसमान के सितारों के मानिंद बुलंद होगी। स्तुति की तो खासियत ही यही है, स्वर्गदूतों की और संतों की खासियत ही यही है। परमेश्वर धन्यवाद हो, उनकी स्तुति और उनकी पुकार में ना कोई चाहत है ना कोई तमन्ना है। इसलिए कोई दुख की शिकायत नहीं है, कोई मांग नहीं है, और तुम्हारे मुंह से ना कभी दुख निकले, केवल निकले तो परमेश्वर की स्तुति निकले। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
इसलिए तब तुम अपने जीवन में एक ऐसी स्तुति पाओगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परमेश्वर के निकट और प्रसन्नता के साथ की जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए वचन में लिखा है, स्वर्गदूतों ने कहा आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर प्रसन्नता हो। प्रभु यीशु का जन्मोत्सव कोई दुख नहीं है, मेरे और आपका प्रभु यीशु दुख से पैदा नहीं हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद, वो तो कहता है सर्वदा प्रभु में आनंदित रहो, फिर कहता हूँ तुम आनंदित रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय और 10वां वचन सुने, तब स्वर्गदूतों ने कहा उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आपने वचन में सुना स्वर्गदूत कहते मैं मत डरो, मैं तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। प्रभु यीशु का जन्म दुख से नहीं हुआ, प्रभु यीशु के जन्म में कोई पीड़ा नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए प्रभु यीशु का जन्म उत्सव खुशियों का उत्सव है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसमें कोई चाहत नहीं है, जिसमें कोई दुख नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इसलिए वो नित्य आनंद है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु का जन्म नित्य आनंद है। इसलिए वचन में तो लिखा है जो गमों में बैठे थे, जो अंधेरों में बैठे थे, जो उदासियों में बैठे थे, जो बंदी गृह में बैठे थे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने कहा मैं उनको आज़ाद करने आया हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो दुख में और निराशाओं के गर्द में थे, प्रभु कहते मैं उनको छुड़ाने आया हूँ। प्रभु यीशु का जन्म दुख से नहीं हुआ, याद रखें। परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रियो, प्रभु यीशु का जन्म तो आनंद का उत्सव है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसमें कोई दुख नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, ना कोई तमन्ना है, ना कोई चाहत है। स्तुति के करते हुए ऐसे कैरल्स गाओ, परमेश्वर के जन्म के उत्सव के ऐसे गीत गाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे सुर और स्वर्गदूतों के सुर आपस में मेल खा जाएं। प्रभु यीशु दुख से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, और स्वर्गदूत ने कहा कि मत डरो, ये तुम्हारे लिए खुशी का सुसमाचार है, पवित्र आत्मा से जन्मा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, दुख से तुम आजाद हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के हाथ सारा अधिकार खुदा ने दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह में सब है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, दुख और निराशा की बात कहाँ से आई। प्रभु यीशु मसीह में खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, गाओ उसे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, भजो उसे और भज लो उसे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये प्रभु यीशु मसीह का उत्सव है गाने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, भजने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जितना भज सकते हो उसे भजो, जितना गा सकते हो उसके लिए गाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वही सब है और वही रब है। उसने तुम्हें और इस संसार को इसीलिए बनाया है, सारे आनंद से भरकर बनाया, ताकि तुम आनंदित रहो। इसलिए वो कहता है मसीह यीशु में तुम मगन हो जाओ, सर्वदा तुम आनंदित रहो। कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव में नित्य आनंद है, आनंद भरा हुआ है, खोजो उसे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो प्रफुल्लता और प्रसन्नता में वास करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि तुम प्रभु मसीह यीशु को और मसीह यीशु के जन्म को किसी और चीज़ में खोजोगे, तुम्हें वो कभी ना मिलेगा। यदि परमेश्वर को खोजना ही चाहते हो, प्रभु यीशु को खोजना ही चाहते हो, वो प्रफुल्लता और प्रसन्नता में ही मिलेगा। फिर कहता हूँ उसका जन्म दुख का नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद हो, आनंद का सुसमाचार है, डरने की कोई बात नहीं है। स्वर्गदूत कहता है मत डरो, प्रभु यीशु का जन्म दुखों को मिटाने के लिए है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और खुशियों को बांटने के लिए। प्रभु यीशु का जन्म सब खुशियों को लेकर आता है और लेकर आया है। वो तुम्हें खुशियों में मिल सकता है, वो तुम्हें प्रसन्नता और प्रफुल्लता में मिल सकता है। परमेश्वर की आत्मा शक्ति है, और शक्ति का प्रवाह है, एक बड़ा महानद है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे आपने उत्पत्ति में सुना है एक बड़ी महानदी ऊपर से उतर के ज़मीन पे आई और उसमें से चार नदियां बह निकली। प्रभु यीशु का जन्म, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की आत्मा शक्ति का प्रवाह है, ऊपर से महानद के समान बहता हुआ आता है। वो तेज प्रवाह है, वो तो बहेगा ही बहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। प्रवाह तो अपने आप बहने लगेगा, उस प्रवाह को रोकना मुमकिन नहीं है, वो तो बहता ही चलेगा। परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए
प्रभु यीशु का जन्म शक्ति का बड़ा प्रवाह है। शक्ति का प्रवाह यानी परमेश्वर की स्तुति है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वो तो बहता रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे भजन संहिता 45:1 में लिखा है, परमेश्वर धन्यवाद हो, मेरे हृदय में एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बातें मैंने अपने राजा के विषय में रची है उसको सुनाता हूँ, और मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बन गई है। ये तो शक्ति का प्रवाह, परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति ही तो है। जिस पर स्वर्गदूतों के समान तुम्हारे अंदर स्तुति बहेगी तो रुकेगी नहीं, वो आगे बढ़ती चली जाएगी। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे अंदर से उमड़ने लगेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब तुम रुकोगे नहीं, तुम्हें गाना ही पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम तो गाते चले जाओगे, चाहे नींद में हो चाहे तुम ख्वाब में हो। हाँ प्रियो, तब तुम नींद में भी गाओगे। तुम्हें दिन और रात की क्या फिक्र है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। रात को सितारों को देखोगे तो गा पड़ोगे। तुम्हारे भीतर से परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो स्तुति उमड़ती रहेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम गुनगुनाते रहोगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्वर्गदूतों के समान स्वर्ग छोड़ के झुंड तुम नीचे उतर आओगे। जैसे वचन में आपने सुना, एक स्वर्गदूत एकाएक उतर के आया और उसके पीछे स्वर्गदूतों का झुंड गाते गाते चला आया। ना रात की फिक्र है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा की शक्ति, प्रभु यीशु का जन्म, परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक ऐसा भाव है, एक ऐसा प्रवाह है जिसे हम स्तुति कहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु के जन्म उत्सव में गाओ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, खूब कैरल्स गाओ। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु के जन्म उत्सव की तारीफें गाओ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके कसीदे तुम गाओ। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, पर बिना चाहत बिना शिकायत के हो। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। रंग बिरंगी हो जाओगे तुम, तुम्हारी रूह भी रंग बिरंगी हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, रूह इतनी खुशामदीद हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारी स्तुति को तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए प्रभु यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, महिमा से भरा जन्म है, जिस पर हमारा भी जन्म महिमामय हो जाए। शुमार हो जाओगे तुम भी स्वर्गदूतों के झुंड में शामिल हो जाओगे। परमेश्वर की शक्ति प्रवाह है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, शक्ति ही प्रफुल्लता और प्रसन्नता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए शक्ति ही परमेश्वर की बंदगी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए शक्ति ही परमेश्वर की बंदगी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए स्वर्गदूतों ने गाया बंदगी की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए तुम भी भजो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, खूब भजो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु नाम भजो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु नाम भजो। ठीक ठीक गाओ, समझ के गाओ, तरंग को समझ के गाओ, सारंगी और वीणा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी तारों से मेल खा जाए। स्वर्गदूतों की तार से तुम्हारी तार मेल खा जाए, तुम्हारी सारंगी मेल खा जाए, तुम्हारी वीणा और तुम्हारी तरंगे भी स्वर्गदूतों की तरंगों से मेल खा जाए। करो ऐसी बंदगी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बंदगी बहुत ज़रूरी है। जो बिना तमन्ना के गाता है, बिना चाहत के गाता है, वो तो धर्मी है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए लेकिन जो तमन्ना और ख्वाहिशें और बहुत सारे भेद मन में रख के गाता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई यही है, ऐसा व्यक्ति अधर्मी होता है। स्वर्गदूतों की क्या चाहत है? कोई चाहत नहीं है उनकी, कोई तमन्ना नहीं है। इसलिए जो बिना चाहत और बिना तमन्ना के गाता है वो धर्मी होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए गाओ स्वर्गदूतों के जैसे, उनकी तारों के साथ तुम्हारे हृदय की तार जुड़ जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, जोड़ लो उस प्रभु यीशु से अपने जीवन की तार को, क्योंकि वो सब है और वही रब है। इसलिए तुम भी उसके प्रेम रस से भर जाओ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और जो प्रेम रस से भर जाता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो गाता ही चला जाता है और गाता ही रहता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, और वो गाता ही, परमेश्वर का धन्यवाद हो, रहता है, उसे किसी और बात की फिक्र नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए बहता रहता है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए प्रभु यीशु के जन्म उत्सव को मनाओ। परमेश्वर धन्यवाद हो, ऐसी महिमा पाओ कि तुम्हारे
तुम्हारी चमक भी सितारों के समान हो। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए तुम्हें आनंदित रहना बहुत ज़रूरी है, हमें खुश रहना ज़रूरी है। परमेश्वर धन्यवाद हो, वो स्वर्गदूत कह रहा है तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हें आनंद के सुसमाचार में रहना ज़रूरी है। हमें प्रभु यीशु के जन्मोत्सव में इस बात को समझना ज़रूरी है कि हमें उसके आनंद के सुसमाचार में जीना ज़रूरी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर खुदा की ख्वाहिश ये ना होती तो खुदा इंसान को हंसना और मुस्कुराना क्यों सिखाता। आज सारे संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो हंसना ना जानता हो, जो कभी मुस्कुराया ना हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदा ने इंसान को बनाया, हमारे अंदर एक अजीब सी कुदरत को डाला, हम मुस्कुरा देते हैं, हम हंस देते हैं। क्यों बनाया? ये खुदा की चाहत यही है, तुम सर्वदा आनंदित रहो, खुदा में मगन होकर रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो नहीं चाहता कि हम उदासी में रहे। प्रभु यीशु उदासियों को मिटा देने का नाम है। चाहत के गाओ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यदि कोई चाहत रख के मुस्कुराता है, यदि कोई चाहत रख के गाता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये मुस्कुराहट भी, अगर तुम कुछ सोच के किसी चाहत किसी तमन्ना से मुस्कुराते हो तो ये जान लो तुम्हारा दुनिया का धंधा है ये। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज तो हम देखते हैं बाजारों में बहुत सेल्स बॉय हैं, सेल्स गर्ल हैं, हवाई जहाज़ों में आप देखो वो आपसे मुस्कुरा के बात करते हैं। उनका मुस्कुराना एक व्यापार है, उनका काम है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु कहते हैं तुम सर्वदा प्रभु में आनंदित रहो। मैंने तुम्हें मुस्कुराना इसलिए दिया है, मैंने तुम्हें हंसना इसलिए तुम में डाला है क्योंकि तुम आनंदित रहो। प्रभु ने ये मुस्कुराहट हमें दी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये हंसना हमें दिया है, किसी व्यापार के लिए नहीं दिया है, इसलिए दिया है। तुम मानो या ना मानो, परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रभु यीशु चाहता है, परमेश्वर चाहता है, सृष्टिकर्ता की चाहत यही है कि तुम मुस्कुराओ और उत्सव मनाओ। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु यीशु का जन्म इसी बात के लिए है कि तुम मुस्कुराओ, तुम खुशियाँ मनाओ, तुम प्रसन्नता और प्रफुल्लता में खुदा को ढूंढो, वो तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम उत्सव मनाओ। प्रभु यीशु का जन्म उत्सव मनाने के लिए है। जो उत्सव नहीं मना पाता वो मुस्कुराना नहीं जानता, वो हंसना नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, याद रखो खुदा ने हमें इस कुदरत के साथ बनाया है कि हमारे अंदर एक गुण और स्वभाव दिया है कि हम मुस्कुराते हैं। प्रिय, इसलिए परमेश्वर ने हमें मुस्कुराना सिखाया है, हमें परमेश्वर ने इसी कुदरत से बनाया है कि हम हंसे, मुस्कुराएं और उत्सव मनाएं। प्रिय, प्रभु यीशु के जन्म में तुम उत्सव मनाओ, तुम खुशियां मनाओ, तुम मुस्कुराओ। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए यदि आप यशायाह की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसका 29 वचन यदि आप पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, तब तुम पवित्र पर्व की रात का सा गीत गाओगे और जैसे लोग यहोवा के पर्वत पे और उससे मिलने को जो इज़राइल की चट्टान है बांसुरी बजाते हुए जाते थे, वैसे ही तुम्हारे मन में भी आनंद होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए गाओ तो इस कदर गाओ, पवित्र पर्व की रात हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और तुम यहोवा के पर्वत पे यहोवा से मिलने जा रहे हो, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तुम्हारा जीवन भी हमारा जन्म भी महिमामय हो जाए। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसका जन्म प्रभु यीशु जैसे महिमामय हो जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो जब गीत गाता है तो उसकी तारे स्वर्गदूतों के तारों के साथ मिल जाती है। उनका गीत प्रभु यीशु स्वर्गदूतों के स्तुति के साथ मेल खाता है। इसलिए ऐसे लोग परमेश्वर का धन्यवाद हो रात के पर्व का गीत गाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन में लिखा है, हाँ, स्वर्गदूत एकाएक अंधेरे में रात को प्रकट हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये पवित्र लोगों का पवित्र पर्वत के ऊपर परमेश्वर से मिलने का रात के पर्व का गीत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, गाओ, प्रभु यीशु को गाओ, भजो। क्रिसमस परमेश्वर का उत्सव है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये रात का पवित्र पर्व है, मानो परमेश्वर की चट्टान पे तुम चढ़ गए हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए उत्सव पाओ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, उत्सव को पाओ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुशियाँ मनाओ। प्रभु यीशु का जन्म है, हमें उसे पाना है। प्रभु यीशु के जन्म को, उत्सव को पाना है। कोई तमन्ना ना रखते हुए, कोई चाहत ना रखते हुए, बस गाते चलो, बस बहते हुए प्रवाह के समान गाओ। तुम्हारा जन्म भी हमारा जन्म भी महिमामय हो जाएगा।
और परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारी रोशनी भी तारों के समान हो जाएगी। परमेश्वर धन्यवाद हो, और तब भोर का तारा तुम पे उदय होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, पवित्र पर्व की रात के समान रात भर गाते रहो, भोर का तारा उदय हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी रात ये गीत ना रुके। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी रात ये भजन ना रुके। परमेश्वर का धन्यवाद हो, भोर का तारा उदय हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चा क्रिसमस हो जाएगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस जन्म को भी हम ऐसी महिमा हासिल कर लें, इस जन्म में हम ऐसी महिमा पाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सारा आकाश मंडल हमारे भीतर समा जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारी चमक भी सितारों के समान तारों की मानिंद हो जाए, परमेश्वर के फरिश्तों के साथ हम जुड़ जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु मसीह आपको प्रभु यीशु का जन्म बहुत बहुत मुबारक करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर कह रहा हूँ, पवित्र पर्व की रात का सा गीत गाओ, रात भर गाओ, जैसे ऊंचे पर्वत पे चढ़ के कोई गाता हो, इस कदर गाओ। रात भर भजो उसे, भोर का तारा उदय हो जाएगा। प्रभु यीशु के जन्म में आपके जन्म का भी भोर का तारा उदय हो जाए, हमारे जन्म में भी कोई भोर का तारा निकल आए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये महिमा पालो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, ऐसे प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाएं। इस क्रिसमस को हम ऐसे मनाएं मानो पवित्र पर्व की रात है, और उस पर्वत के ऊपर रात भर हम भजेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और भोर का तारा को पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और खुदा से मांगे, या प्रभु मेरे जीवन में भी पिता परमेश्वर तू भोर का तारा खिला दे। पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी भोर का तारा चमकने लगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरे बच्चों को पिता परमेश्वर, देश और दुनिया इस संसार में प्रभु जी, जहाँ कहीं भी लोग पिता परमेश्वर आपके नाम की खुशी, आपके नाम का जन्म उत्सव मना रहे हैं। पिता परमेश्वर हर एक को नाम बनाम आशीष दे पिता परमेश्वर, एक ऐसी चमक, एक ऐसी रोशनी उनके जीवन में दे प्रभु जी, ऐसी स्तुति उनके जीवन में दे पिता परमेश्वर। आए खुदावंद यीशु नासी, जिसके स्वर स्वर्गदूतों से मेल खाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी, हमारे जन्म में भी प्रभु ऐसी महिमा तू प्रकट कर पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर तेरे लोगों की चमक पिता परमेश्वर आकाश मंडल और आकाश मंडल के तारों की मानिंद हो जाए। आए खुदावंद यीशु नासी, ये तेरा जन्मोत्सव हजारों लोगों को, अनगिनत लोगों को पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी पर जितने लोग इस उत्सव को मनाते प्रभु जी, हर एक को नाम बनाम आशीष दे पिता परमेश्वर। हर एक के हृदय में प्रभु यीशु आपके नाम का जन्म हो जाए प्रभु, हर एक के हृदय में आपका जन्म हो पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, मुक्ति पाए पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु नासी तेरे करीब आए, ऐसा तू होंदे प्रभु जी। खुदावंद यीशु नासी ये आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते, सारा आदर मान महिमा गौरव आपको देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।